अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज जो रेसिपी मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ वो है कैरमल एग पुडिंग, और ये बहुत मज़े की और यमी रेसिपी है। और ये मेरी सिस्टर की रेसिपी है जो कि घर में बहुत मज़े की एग पुडिंग तैयार करती हैं। आइए चलते हैं और रेसिपी को फॉलो करते हैं और मज़े की एग पुडिंग तैयार करते हैं। और इसके लिए मैंने ले लिया है कि मीडियम साइज़ की जो ब्रेड आती है उसके मैंने 3 स्लाइसिस मैंने ले लिए हैं, और साथ में मैंने ले लिए हैं 6 एग्स, और इसके अंदर जाएंगे ये 2 कप भर के दूध, और साथ में है इलायची पाउडर और जर्दे का रंग, और चीनी ले ली है मैंने 3 स्पून भर के, और ये वाला स्पून जो है मैंने यूज़ किया है। और आप लोग अपने हिसाब से देख सकते हैं, जो आप लोग का सर्विंग स्पून होता है वो आप लोग भर कर ले सकते हैं, और चीनी तो खैर आप लोग अपने हिसाब से भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। और कैरेमल के लिए मैंने 2 स्पून भर के ये वाली चीनी ले ली थी। और बस ये इतने से इंग्रेडिएंट के साथ मज़े की पुडिंग तैयार करते हैं। और सबसे पहले मैंने ले लिया है पैन, पैन के अंदर जो है मैंने चीनी को कैरामलाइज होने के लिए रख दिया था, और इसको जो है बड़े ध्यान से और एहतियात के साथ जो है कैरामलाइज कीजिएगा, क्योंकि इसको कि अगर ये स्किन पर लग जाए तो स्किन बर्न भी हो सकती है। और बस ये गोल्डन सा प्यारा सा कलर आ जाए इस कैरामल का तो ये बनकर तैयार है। एहतियात कीजिएगा कि ये जले ना। और इसको फिर जो है इसको हमने पैन में अच्छी तरीके से इसको स्प्रेड कर दिया और उसको ठंडा होने के लिए छोड़ दिया। लिया है मिक्सर या जूसर, और इसके अंदर एक एक करके एग को मैंने ऐड किया है। एग को ध्यान रखें कि तोड़ कर ही डालिए, क्योंकि कभी कभी हम डायरेक्ट ऐसे पोर कर देते हैं और अंडा ख़राब हो जाए तो पूरा मिक्सर ख़राब हो जाता है। और साथ में मैंने ऐड कर दी है शुगर, और ये डबल रोटी को जो मैंने स्लाइस थी उसको मैं कर दूंगी ऐड। और साथ में ऐड करेंगे इसके अंदर हम मिल्क, मिल्क इसके अंदर 500 ml जाएगा, यानी कि 2 कप्स, और हम सारी चीज़ों को साथ साथ इसी तरीके से ऐड करते रहेंगे। देखिए ये 2 कप जो है मैंने मिल्क ऐड कर दिया इसके अंदर। आप चाहें तो फ्रेश मिल्क भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर पैकेट वाला आप जो यूज़ करते हैं आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मैं ऐड करूँगी इलायची पाउडर और जर्दे का रंग। जर्दे का रंग मैंने 1/2 टीस्पून लिया है, और इलायची पाउडर आप अपने टेस्ट के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। किसी को ज़्यादा पसंद होता है, किसी को कम पसंद होता है, तो आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। आप इसको इतना मिक्स करेंगे कि इसके अंदर कोई भी लम्स जो है वो बाकी ना रहे, और ये बहुत स्मूथ सा मिक्सचर तैयार हो जाए इस तरह से। अच्छा, अब हम ले लेंगे कोई भी देगची ले लीजिए, उसके अंदर मिड में रख दीजिए कोई भी स्टैंड, और ये कैरेमल जो है ठंडी हो गई थी, अब इस पैन के अंदर हम ये वाला मिक्सचर जो है वो ऐड कर देंगे। और इसको बड़े एहतियात से हम इसको मिड में रख देंगे इसके, और अब जो है इसके अंदर हम ऐड करेंगे पानी। पानी बड़े एहतियात से ऐड कीजिएगा, क्योंकि ये मिक्सचर के अंदर पानी नहीं जाना चाहिए, और पैन के उतना ही पानी ऐड कीजिएगा जितना जो है इसका मिक्सचर है। ओवरफिल नहीं कीजिएगा, क्योंकि बॉयल होने के बाद जो है पानी अंदर भी जा सकता है, तो कम पानी इस्तेमाल कीजिएगा। और इसको जो है दम जिस तरीके से हम देते हैं अखबार के साथ, और या फिर आप एल्युमिनियम पेपर के साथ, इस तरीके से हम दम दे देंगे। और इसको हम जो है पहले शुरू में हाई फ्लेम के साथ जो है इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। जब पानी के अंदर बॉयल आ जाएगा फिर हम इसकी आंच जो है कम कर देंगे, और ठीक 1 घंटे के बाद ये बिल्कुल पक कर तैयार है। आप लोग फ्लेम जो है अपने हिसाब से चेक कर लीजिएगा, किसी का जो है कुकिंग रेंज जल्दी खाना कुक करता है, किसी का देर से, तो अपने हिसाब से आप चेक कर लीजिएगा। और ये बिल्कुल बनकर तैयार है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कि ये कैसी बनी। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। रेसिपी पसंद आए तो उसको लाइक करना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।